नमस्कार, मैं विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन लाइव में आप सभी का स्वागत है। 21 दिनों का लॉकडाउन और साथ में ही केंद्र सरकार की कई घोषणाएं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और इसके साथ साथ कई राशन की सामग्री का पुरवठा करने की कई घोषणाएं, पर हम देख सकते हैं हमारी कहानी लोगों की जुबानी। इस कार्यक्रम के तहत हम आ गए हैं लातूर शहर के विलास नगर में, जहां लातूर शहर के सभी सफाई कर्मचारी और गरीब लोगों की बस्ती है। और आइए देखते हैं जमीनी हालात क्या है। कोरोना को लड़ने के लिए सबसे जरूरी बात है हमें हाइजीन रहना है और पूरे शहर को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं ये सफाई कर्मचारी। और कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ है इस लॉकडाउन के समय में। अब उनके घरों में क्या बीत रही है जानेंगे इनसे। क्या हाल चल रहा है भाई अभी आपका? अभी फिलहाल तो भरा हुआ राशन खत्म होने को आया है। सरकार ने खाली घोषणा की है कि राशन मिलने वाला है, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं राशन। किसी दुकान में राशन का कोई अभी तक पता नहीं, लेकिन जो लोग मजदूरी करते या और कोई काम धंधा करते वो सब लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो सरकार उन लोगों के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस आपातकाल के दौर में कुछ योजनाएं जाहिर की है और राशन दुकानों पे आपको राशन मिलना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप गए थे राशन दुकानों में माल लेने के लिए? कल गए थे राशन दुकान पे। राशन दुकान वाला बोलता कि हमारे पास अभी माल नहीं है, अगले महीने में आओ, 3 महीने का कोर्स मिल जाएगा, ऐसा बोल दिया। और हमेशा जाने के बाद यही बोलता है कि राशन नहीं आया, राशन नहीं आया, राशन नहीं आया। और जो राशन दुकान वाला हमारा है वो 16 रुपए किलो से बेच के पूरे पैसे खा जाता है। हम आए हैं यहाँ के एक घर में और इनसे जान लेते हैं अभी क्या हाल चल रहा है। फिलहाल में तो बहुत तंगी चल रही है। पास खाने पीने की चीजें पर्याप्त मात्रा में है? काई भी नहीं है आता सद्याला खायला, पूर्ण डब्बे मोकले है, पूर्ण मोकले है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके डिब्बों में अनाज का एक दाना भी नहीं है। और इस तरह ये मजदूर लोग अपनी चरितार्थ, अपनी गुजरान कैसे करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा और अहम सवाल सरकार के सामने और हम सब लोगों के सामने यहाँ पे अहम सवाल उठता है। अब हम जान लेंगे बच्चे की माँ से कि क्या हाल है। एक माँ ने बहुत संजीदगी से सवाल पूछा है, एक तो हमें मार डालो या फिर यह लॉकडाउन उठाओ, इस तरह का बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पे एक माँ ने रोते रोते हुए हमारे सामने किया है। विलास नगर के बाद हम आए हैं महात्मा गांधी कुष्ठधाम में, शहर का एक ऐसा इलाका जिसमें सभी लोग भीख मांग के खाने वाले हैं। अब आइए इनसे जान लेते हैं। क्या मांगना, सब दुकान बंद है, मर रहे खाने को, घर में कुछ भी नहीं। आप काम क्या करते हैं? काम क्या, भीख मांग के खाते हैं। अभी क्या चल रहा है आपका? कुछ भी नहीं है, बैठे हैं घर में, क्या करते हैं, शाम को रोटी मांगने जाते हैं, लाते हैं, खाते हैं, क्या इसी में गुजारा चल रहा है। अब तो बाहर नहीं जाने, कौन जा रहे दे रहे, घूमने नहीं जाने दे रहे, पुलिस वाले गांड पे डंडे मार रहे, कहाँ जाएंगे बाल बच्चे, कहाँ जाएंगे, और क्या है, पेट को क्या है हमारे, कुछ भी नहीं, पानी पीते बैठ जाते हैं टाके का। 17 साल से यह बस्ती है और इस बस्ती में स्टोव कुकर दुरुस्त करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और इनसे जान लेते हैं हम क्या हाल है। अभी आपको खाना भी मिल रहा है? अब क्या, हमको काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, सब आड़ के है, मजूरी नहीं, कुछ नहीं, हमको मदद चाहिए, ये हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, खाली बाल बच्चे पालने को हमको मदद चाहिए। तो सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ पुलिस मिलकर यहाँ पे आपको ये खाना बांट रहे, तो क्या कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे? अच्छा लग रहा है हमको, हमका दुआ लगेगा, भगवान तुमको आशीर्वाद देगा। तो यहाँ पे खुशी का माहौल अभी इनमें दिख रहा है। पुलिस के साथ मिलकर कुछ सामाजिक सेवा भाई संस्थाएं यहाँ पे गरीब लोगों को खाना बांटने का काम कर रही है, तो इनसे हम जान लेते हैं कितने दिनों से ये चल रहा है। हम एचडी फाउंडेशन के तरफ से हम रोज ही कंटिन्यू 21 दिन तक, जब तक ये लातूर बंद है, हम तब तक सभी जितने भी गरीब लोग है हम रोज़ उनको हमारी तरफ से पूरा खाना, जितना भी उनको खाना लगेगा सवेरे का शाम का, वो हम हमारी तरफ से उनको हम पुलिस वालों के साथ मिलके हम वो बांट रहे हैं। अब इस कोरोना के समय में आप इतना रिस्की काम कर रहे हैं, तो आपने सुरक्षा की क्या प्रावधान रखे आप? देखिए कोरोना की वजह से ही जो हम सुरक्षा कर रहे हैं, कैसा है हमारे लिए, इतना पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर लोग, आप न्यूज़ रिपोर्टर लोग, इतना आप सब इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सेफ रह करके,
तो हम आपके साथ ही काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी सावधानी क्या बरत रहे, मतलब मास्क तो दिख रहे, हैंड ग्लोव्स भी दिख रहे, हैंड ग्लोव्स है, सैनिटाइजर्स कंटिन्यू हमारे साथ में है, जिसको मास्क नहीं है हम उसको मास्क भी बांट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया काम यहाँ पे चल रहा है। तो हमने देखा 21 दिन के इस लॉकडाउन में, भारत बंद में, जमीनी स्तर पर मजदूर लोगों के, गरीब लोगों के हालात क्या है। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल गरीब लोगों को मिलने की संभावना जताई गई है, सरकार ने घोषणा की है, पर जमीन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। लोग भूखे मर रहे हैं, राशन की मांग कर रहे हैं, और इसके चलते शहर के कुछ सामाजिक सेवाभावी संस्थाओं को पुलिस की मदद लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को खाना बांटना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों की तरफ सरकार किस नजरिए से देखती है। मैं विक्रांत शंके, कैमरामैन देवव्रत जोशी के साथ महाराष्ट्र जीवन लाइव।